दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई एलटी गेट भर्ती के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डाटा स्टडी चैनल के माध्यम सबसे पहले मिलती जाए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पिछले 4 सालों से लगातार किसी भर्ती का इंतजार किया जा रहा है, तो उसमें शामिल है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती। पिछली बार 10,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन उसके बाद से अभी तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अगर बात की जाए न होने को लेकर, तो उसकी वजह योग्यता के विवाद का होना। उसी के संबंध में एक बड़ी अपडेट आप सभी को दे दें। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से मुलाकात देखने के लिए मिली, जो कि यहाँ पर शिक्षा निदेशक के साथ देखने के लिए मिलती है। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, जहाँ पे इमेजेस में आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं विक्की खान, इसके अलावा शिक्षा निदेशक। इस ज्ञापन के अंदर मांग रखी गई कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट के मामले हैं, उन सभी को यहाँ से जो क्लियर है वो कर दिया जाए। उसके संबंध में शिक्षा निदेशक ने क्या कहा वो मैं आप सभी को बताता हूँ। यहाँ पे आप सभी को वार्ता का सार देखने के लिए मिलेगा। एलटी जीआईसी 2018 द्वितीय सूची को लेकर चयनित एवं जीआईसी प्रवक्ता के समक्ष चयनित अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि आज की तारीख में मुलाकात देखने के लिए मिली शिक्षा निदेशालय लखनऊ, जहाँ पे शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी जी से मिलकर पोर्टल खोले जाने एवं इसकी नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही जो ज्ञापन है वो सौंपा गया। वार्ता के क्रम में शिक्षा निदेशक ने बताया कि एलटी जीआईसी 2018 के चयनित एवं जीआईसी प्रवक्ता के चयनित सभी अभ्यर्थी की सूची मंगवा ली गई है तथा उनका जो पोर्टल है वो यहाँ से खोल दिया जाएगा। नियुक्ति का पदस्थापन को लेकर भी तैयारियाँ शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट को लेकर जो मामला लटका है उसके भी बारे में यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली कि जिन विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी होनी है वो भी जारी की जाएगी। वार्ता के दौरान प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी को अतिशीघ्र पोर्टल खोलकर नियुक्ति दिए जाने की मांग की गई। इसके अलावा अगर बात की दूसरी मांग को लेकर, तो वो देखने के लिए मिलती है एलटी जीआईसी 2022 का नए विज्ञापन के संबंध में। इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता 2022 के नए विज्ञापन को लेकर, जो कि समकक्ष अर्हता के विवाद के चलते उसका समाधान अतिशीघ्र किया जाना है, इसी को लेकर नए विज्ञापन अतिशीघ्र विज्ञापित हो सके, जिस पर शिक्षा निदेशक ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को लेकर भी त्वरित समाधान किया जाएगा। मतलब ये है कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला लटका हुआ है उसके बारे में शिक्षा निदेशक ने भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले को त्वरित रूप से यहाँ से फैसला लिया जाएगा। हालांकि पिछले 8 महीने से मामला लटका हुआ है, अब देखना ये होगा कि इस यहाँ से भरोसे के बाद में कब तक यहाँ से इस पर फैसला लिया जाता है। फिलहाल न्यू एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने दावा तो किया है कि जल्द यहाँ से क्लियर करते हुए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। और ये आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, जहाँ पे नोटिफिकेशन आप सभी का 10 अगस्त 2022 को जारी किया जाता है, मतलब कि आज की तारीख में, और 30/8/2022 तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। 31/8/2022 तक अपने फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर 2022 में करवाया जाएगा। ये जो भर्ती संबंधित है वो सब इंस्पेक्टर की है, जो कि दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एसआई भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है एसएससी को उसे जारी कर दिया गया है। डिटेल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो पूरे नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।